जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि भागवत के आचार्य अनिरुद्धाचार्य और रामकृपाल त्रिपाठी जी, जो कि व्याकरण के बहुत उच्च विद्वान और साहित्य के आचार्य हैं, और वो पूर्व में रंग लक्ष्मी महाविद्यालय जो कि वृंदावन में स्थित है उसके पूर्व प्राचार्य भी रह चुके हैं, उन दोनों लोगों की एक वीडियो की क्लिपिंग वायरल हो रही है। आइए उसको थोड़ा सा सुनते हैं। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधा वंतो भटान मृधे। राधा वंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरु जी। ऐसा है, नाश मत करिए, आधा वंत है, आधा वंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरु जी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप तो उच्चता उठाई आयुधों को लेकर के आधा वंत गुरु जी। गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, हम तो आपके दास हैं। मत कीजिए ना, हमारे गुरु जी कहते हैं अयम अनर्थ। ना ना गुरु जी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। सुनिए सुनिए गुरु जी, इसका अर्थ है राधा वंतौ भटान मर्दे। इसका अर्थ गुरु जी ने बताया हमें, हमारे गुरु जी, गुरु जी नहीं बता सकते। हमारे गुरु जी कहते हैं नहीं बना सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो सर्गे कहाँ जाएंगे जी। उद्यताई ही गुरु जी, गुरु जी कहते हैं, गुरु अब चलिए भागवत जी में दूसरा है बधु, बधु प्रयोग हुआ है, बधु प्रयोग हुआ है। तो बधु का प्रयोग ये है कि वहां श्री राधा रानी का ही स्मरण है। नहीं, लोग कहते हैं राधा नहीं है, तो जी का जिक्र तो कई जगह है। राधा पद वाच्य बधु, अर्थ संकेत अर्थ हो या लक्षार्थ हो और व्यंग्यार्थ हो, इन तीनों अभिधावृत्तियों के द्वारा राधा शब्द एक भी जगह भागवत में नहीं है। इसलिए जहाँ बधु शब्द है वहाँ भी अर्थ राधा है, जहाँ बधु है जल भी होता है, जहाँ राधा है, जहाँ बधु है वहाँ राधा है। ऐसे थोड़े होता है, जहाँ आप जैसे लोग देखिए, आप विश्व विशुद्ध हैं। हमारे गुरु जी ने बताया, हमारी क्या ताकत की हम बताएं। शब्द ही अर्था नाम अभिव्यक्ति। महाराज श्री, महाराज जी, सारा विश्व, त्रिपाठी जी, महाराज आचार्य जी, आपके चरणारविंद में मेरा निवेदन है कि अरे सामने से आचार्य जी आप हटिए भैया। अरे नहीं, लेकिन ऐसा श्रीधर, आप विश्व को सुनाते हैं इसलिए कह रहा हूँ। श्रीधर जी, मैं तो गलत सुना रहा हूँ, इन्हें हटाओ। कोई गुरु नहीं बता सकता यार। जो रामकृपाल त्रिपाठी जी की पीड़ा है वो कहूँ तो इस बात को लेकर के है कि ये अनिरुद्ध आचार्य हैं, ये पूरे विश्व विख्यात कहूँ कि कथावाचक हैं, और ये पूरे संसार में, समस्त संसार में अपने कथाओं को करते हैं। और यदि ऐसे मंच से बैठ करके यदि अशुद्धियाँ बोली जाएंगी, व्याकरणिक ऐसी त्रुटियाँ की जाएंगी, अर्थ का अनर्थ किया जाएगा, तो बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। यही तो मैक्स मूलर आदि ने हम लोगों को शास्त्रों में किया, मनुस्मृति आदि के साथ क्या किया उन्होंने, इसी तरीके से अर्थ का अनर्थ करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, जो ये कर रहे हैं। अब जो त्रिपाठी जी की, रामकृपाल त्रिपाठी जी की जो कहूँ कि शंका है या जो उन्होंने बीच में बोला, वो बोलना बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि यदि गलत प्रचार मंच से होगा, अब उसको हम व्याकरणिक रूप से समझते हैं कि ये गलत कैसे है और कौन सही है। क्योंकि मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जो ये रामकृपाल त्रिपाठी जी हैं और अनिरुद्धाचार्य हैं, इन दोनों लोगों में ठीक कौन है, कौन सही कह रहा है। वो कह रहे हैं मेरे गुरु जी मुझे बताए हैं, और त्रिपाठी कहते रहे हैं कि कोई गुरु बता ही नहीं सकता है, जो हमारे व्याकरण के आचार्य त्रिपाठी जी हैं वो कह रहे कोई गुरु बता ही नहीं सकता। तो वास्तव में असली शब्द क्या है और शुद्ध शब्द क्या है, उस पर बात करते हैं। देखिए शुद्ध शब्द है उद्यतायुध दोर दंडई राधा वंतो भट्टान मृधे। अब उनका कहने का मतलब है जो राधा आ रहा है, दंडई उसके बाद जो राधा आ रहा है, आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, ये उनको वो राधा नाम से ले रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे क्या है ना, व्याकरणिक योग्यता की आवश्यकता है, यहाँ पे संस्कृत की आवश्यकता है। जिस ब्राह्मण ने, जिस पंडित ने, या जिस भी व्यक्ति ने संस्कृत का ज्ञाता है, वही केवल इस बात को समझ सकता है। यहाँ पे क्या है, यदि आप थोड़ी भी व्याकरण कभी पढ़ें तो आपको बिल्कुल मैं समझाने का प्रयास करूँगा, स्टेप बाय स्टेप आप समझने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, दोर दंडई, यहाँ पे क्या आप स्क्रीन पे देखिए, दोर दंडई, यहाँ पे विसर्ग है, और फिर आगे क्या है, आधावंतो है, शब्द तो ये है लेकिन ये राधावंतो कैसे बना, मैं इसकी प्रक्रिया आपको समझाऊंगा। तो जब हम विसर्ग लाते हैं ना, जब संस्कृत के शब्द जैसे राम और सु, ये कुछ प्रत्यय होते हैं जिनको लगा करके संस्कृत के शब्द बनते हैं, जैसे सु औजस अम औस टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओ सुप, ये प्रत्यय लगा करके संस्कृत के जो कहूँ कि राम 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 रामान रामिण राम, ये जो शब्द हैं ये बनते हैं। अब क्या है कि अब यहाँ पे क्या आएगा, सु आएगा, सु की एक पूरी विसर्ग लाने की ना एक पूरी प्रक्रिया होती है, सु से पूरा विसर्ग बनता है, उसके बहुत सारे सूत्र हैं, लगभग मुझे लगता है कि 20 सूत्र लग जाएंगे पूरा विसर्ग लाने में, मैं अंत में ले चलता हूँ आपको। जब सु का स बचता है तो क्या होता है, एक सूत्र आता है सस जुसो रू, वो क्या करता है, स और सजुस को रू आदेश कर देता है, स और सजुस को क्या करता है, रू कर देता है। अब रू कर देता है, आप स्क्रीन पे देखते जाइए आपको समझ में आता रहेगा, स और सजुस को क्या करता है, रू कर देता है। अब रू को फिर एक सूत्र लगता है उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेश में जो अंतिम अच होते हैं उनकी इत संज्ञा हो जाती है, तो वो जो रू का ऊ था वो चला गया, फिर क्या बचा केवल अकेला र। अब र को क्या होता है, फिर एक सूत्र आता है, फिर वो र विसर्ग कैसे गया, क्योंकि फिर उसका क्या हो गया, जो इसकी इत संज्ञा होती है उसका क्या होता है, तस्य लोपः, उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। फिर कहते हैं लोप किसे कहते हैं, तो कहते हैं अदर्शनम लोपः, जो दिखाई न दे उसको लोप कहते हैं, तो उस ऊ का क्या हो गया, लोप हो गया, अब वो ऊ दिखाई नहीं देगा, तो क्या बचा केवल आधा र, आधा र बचा, ठीक है। अब क्या होगा, एक सूत्र आता है विरामो वसानाम, ये जो विसर्ग क्यों चला गया है इसकी प्रक्रिया मैं आपको समझा रहा हूँ, एक सूत्र आता है विरामो वसानाम, वो कहता है विराम की अवसान संज्ञा होती है। अब ये जो शब्द है दोर दंडई विसर्ग है, इसकी अवसान संज्ञा क्यों नहीं हुई, क्योंकि कहता है विरामो वसानाम, जो सूत्र कहता है कि विराम की अवसान संज्ञा होती है, जहाँ पे शब्द की समाप्ति हो जाती है, आगे कोई शब्द ना हो उसकी अवसान संज्ञा होती है, जहाँ पे शब्द हैं उनकी कोई अवसान संज्ञा नहीं होगी, ठीक है। अब फिर सूत्र इसके बाद जो लगता है वो क्या लगता है, खर अवसानो विसर्जनीय, वो कहता है या तो खर परे हो या अवसान हो, या तो खर हो या अवसान हो, खर में क्या, खप छट त चट त व कप या सस सर, ये सर तक खप छट से लेके र तक का कोई भी वर्ड हो, तो या तो ये परे हो तो ये भी परे नहीं है, या फिर अवसान हो, विरामो अवसानम, या तो विराम हो बिल्कुल, फिर उसके बाद कोई शब्द ही ना हो, तब तो वहाँ पे विसर्ग हो जाता, वो क्या करता है उसको विसर्ग कर देता है, खर और अवसान हो तो र को विसर्ग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अवसान भी नहीं और खर भी नहीं है, तो क्या होगा, वो र ज्यों का त्यों रह जाएगा। और ये जो पीछे का आधा वंतो है भट्टान मृदे, ये आधा वंतो का ये जो आ है ये आधे र में जाके मिल जाएगा और इस र को पूरा कर देगा, जैसे आप क लिखते हैं फिर अ लिख देते हैं तो फिर क्या बना देते, पूरा क, इसी प्रकार ये जो र आधा बचा था ना, तो ये ध जाके उसमें जो ये राधा का जो र के बाद जो आ, ये आधा वंतो, ये आधा वंतो का जो अ है ये जाके र में मिल जा रहा है, तो क्या हो जाए, राधा वंतो। अब इसमें इसको अलग अलग करूंगा तो क्या होता, आंग पूर्वक धा धातु होती है, जैसे अश्व धावती शब्द होता है ना, सुना होगा अश्व धावती, घोड़ा दौड़ता है, सुना ना, अश्व धावती, मनुष्य धावती, मनुष्य दौड़ता है, इसी प्रकार ये धा धातु है, ये आंग पूर्वक धा धातु, ये अच्छी प्रकार से दौड़ने अर्थ में आती है ये। लेकिन इसको यहाँ पे क्या, अनिरुद्धाचार्य जी को संस्कृत का ज्ञान नहीं है, वो तो अपना भागवत आदि किताब पढ़ करके कथाएं करते हैं बेचारे, तो क्या है कि उन्होंने क्या कर दिया, राधावंतो, उन्होंने शब्द देख लिया और शब्द देखते ही कुछ का कुछ कर दिया, ऐसे नहीं चलता है। संस्कृत का जो ग्रंथ है ना, उसको अपनी बुद्धि और संधि समास विसर्ग हलंत इसके साथ समझना पड़ता है। और यदि हम इस प्रकार से बिना ग्रंथों को जाने, बिना संस्कृत का ज्ञान लिए मंचों पे बैठ करके यदि हम सामान्य सामान्य सी बातें करते हैं, तब तो कोई बात नहीं कि अच्छे से रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, लेकिन यदि हम ग्रंथों में जा करके और हमें आता कुछ नहीं है और हम ग्रंथों को खोल करके और गलत अर्थ करें, तो उससे क्या होगा कि समाज में एक गलत प्रक्रिया का प्रचलन प्रारंभ हो जाएगा। इसी प्रकार अनेक जो मैक्स मूलर आदि ने, इन लोगों ने हमारे मनुस्मृति, हमारे ग्रंथों के साथ क्या किया, यही तो किया कि उन्हें अर्थ आता नहीं था, उन्होंने फिर अनर्थ करना शुरू कर दिया।
यही तो किया ना। और यदि ये एक परिपाटी चलती चली जाएगी तो फिर सारे ग्रंथ दूषित हो जाएंगे, और जिसका जिस देश का साहित्य और संस्कृति चली गई उस देश का क्या बचेगा, कुछ नहीं। इसलिए जिस चीज़ की हमें जानकारी होनी चाहिए हमें उसी पे वार्ता करनी चाहिए। जो त्रिपाठी जी हैं केवल उनकी वेदना इसलिए इतनी तड़फ रही, उन्होंने मंच पे क्यों झड़कार दिया कि नाश मत करिए, वो सही कह रहे हैं कि आपको पूरा देश सुनता है और आप ऐसी बातें करते हैं कि ये जो राधा शब्द है इसको आप जोड़ रहे हैं, राधा आधावंतों को राधा से जोड़ रहे हैं। ऐसे काम यदि कृत्य यदि आप करेंगे तो समाज का कल्याण कहाँ होगा, उन्हें सत्य का ज्ञान कहाँ से हो पाएगा। वो कहते हैं भागवत में राधा शब्द कहीं नहीं है, तो वो कहते सही कहते हैं। अब जबरदस्ती आप जोड़ोगे और किसी शब्द का अर्थ अनर्थ करोगे तो बड़ी समस्याएं हैं, और ऐसे करना भी नहीं चाहिए, पाप लगता है। शास्त्र की कृत जो बातें हैं, मुनिकृत ऋषिकृत जो बातें हैं, उनमें यदि हम अपनी बुद्धि चला करके छोटी बुद्धि से कुछ जोड़ने का प्रयास करते हैं, समझ लो वो भी गलत तरीके से अपनी बात को केवल सिद्ध करने के लिए, तो समझ लेना पाप कर रहे हैं हम, इसके भुक्त भोगी बनेंगे। इसलिए आवश्यकता क्या है, आवश्यकता है कि हम चेतें और पुरुषार्थ करें, संस्कृत का ज्ञान हासिल करें, तब मंचों पे आकर के श्लोकों का अर्थ करें, ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो त्रिपाठी जी की वेदना बिल्कुल ठीक है कि आपको पूरा देश सुनता है, आप टीवी पे प्रवचन करते हैं, आप यूट्यूब पे प्रवचन करते हैं, आपको बहुत सारे इतने बड़े बड़े लोग सुनते हैं, परंतु फिर यदि आप जैसे विद्वान लोग ही यदि गलत भाषण करेंगे मंचों पे बैठ के तो फिर बात कैसे बनेगी। और मेरा उद्देश्य किसी की निंदा नहीं है, मेरा उद्देश्य क्या था कि मैंने व्याकरण आचार्य हूँ तो मेरा उद्देश्य था कि इन बातों को लेके बहुत सारे मेरे पास मेल और व्हाट्सएप मैसेज आ रहे थे कि आचार्य जी किसकी बात ठीक है, वो कह रहे हैं मेरे गुरुजी ने बताया है, और अनिरुद्धाचार्य के गुरुजी ने बताया होगा तो कोई अच्छी बात होगी या कोई बड़ी ही बात होगी इसलिए उन्होंने बताई होगी, इसमें झूठ तो कुछ और होगा नहीं। और हमारे राम कृपाल त्रिपाठी जी हैं ये तो बहुत बड़े प्राचार्य हैं और संस्कृत के विद्वान भी हैं, साहित्याचार्य भी हैं, और ये भी इस बात को कह रहे हैं तो कौन सही है। तो उसका मैंने व्याकरणिक समीक्षा की, इसमें मेरे ही कहूँ कि जो इसके पीछे की जो मेरी नियत है वो किसी की निंदा करने की नहीं है, ना अनिरुद्धाचार्य की निंदा करने की है, परंतु मैं इतना जरूर कहूँगा कि हम कोई भी बात रखते हैं वो भी संस्कृत की तो हम प्रमाण सहित और अपने ज्ञान सहित रखें तो अच्छा लगे। नहीं, वेदना तो मुझे भी होती है क्योंकि संस्कृत को मैं एक माँ के अपनी माँ के रूप में देखता हूँ, और मैं जितना सम्मान अपनी माँ का करता हूँ उससे उतना ही सम्मान या उससे ही अधिक सम्मान मैं इस संस्कृत भाषा का करता हूँ। इसलिए यदि इस भाषा को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा, इन श्लोकों का हमारे ग्रंथों का गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण किया जाएगा तो निश्चित रूप से दर्द होना स्वाभाविक है। और व्याकरण के अनुसार जो हमारे राम कृपाल त्रिपाठी जी हैं बिल्कुल ठीक हैं, और अनिरुद्धाचार्य जी को क्या है कि वो व्याकरण नहीं जानते हैं, उन्हें संधि समासों का अच्छे से कहूँ कि कारतत्व तो नहीं होता है, जबकि ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी आता है जो 8वीं 9वीं क्लास के 10वीं क्लास के स्कूलों में जो जिन्होंने यण संधि गुण संधि वृद्धि संधि अयादि संधि पढ़ी होगी वो भी बता देंगे कि यहाँ पे भी कौन सी संधि और कैसे कैसे सारा हुआ है। तो मैं कहूँगा कि यदि मेरा मैसेज आप उन लोगों तक पहुँचाएं, उनके तक कि प्रयास करें कि संधि समास कारक अव्यय यदि आप इस फील्ड में हैं तो इतना आना चाहिए, और मेरा इसके पीछे निंदा करने का कहूँ कि मानस नहीं है, परंतु जब लगता है कि अपने ग्रंथों का ही अपमान हो रहा है या कुछ का कुछ अर्थ कारण अनर्थ किया जा रहा है तो बोलना पड़ता है। और आप सभी लोग समझदार हैं, मैंने जिस तरीके से आपको समझाया स्क्रीन पे भी आपको ये जो श्लोक है वो पूरा दिखाई दे रहा होगा, अगर किसी ने थोड़ी भी हिंदी और संस्कृत का थोड़ा भी ज्ञान रखता होगा तो कहीं ना कहीं उसको मेरी बातें बहुत अच्छी समझ में आई होंगी। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप लोग मेरी बातों को अन्यथा न लें, इसको ज्ञान की दृष्टि से समझें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें जिससे वो अशुद्ध ज्ञान लोगों तक न पहुँचे, शुद्धतम ज्ञान लोगों तक पहुँचे और लोगों का जीवन पवित्रता और अच्छे शुभ गुणों से युक्त हो। परमपिता परमात्मा का प्यारा प्रेम आपको मिलता रहे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।